गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 मौर्य पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में टाइम टाइम पे अलग अलग एम्परर्स आए और उन्होंने सीटेड होकर और रूल किया। तो एक अगर हमारे पेंटिंग यानी कि हमारे आर्ट के फील्ड से अगर हम देखें तो ये मौर्य पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। इस टाइम पर जो स्टैच्यूज बने थे, जो पिलर्स बने थे और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स बनी थी, वो सारी की सारी इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिनमें से जैसे फोर लायंस का जो स्टैच्यू बना था वो आज भी हमारी करेंसी में उसकी फोटो लगी हुई है। उस टाइम पीरियड पे ही राजा अशोक के टाइम पर एक चक्र बनाया गया था और वो चक्र आज भी हमारे इंडियन फ्लैग पर है। तो हम कह सकते हैं कि आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो पीरियड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मौर्य पीरियड की स्टार्टिंग राजा अशोक ने की थी और राजा अशोक एक ऐसे एम्पायर थे जिनको एलिगेंस, ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ कल्चर, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसीलिए उन्होंने अपने पूरे के पूरे स्टेट को पूरा ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज भी करवाया था और बिल्ड भी करवाया था। सांची स्तूप भी उसी टाइम बना था और उस टाइम पर जो स्टैच्यूज बनती थी वो स्टैच्यूज पिलर के ऊपर लगाई जाती थी या पेस्ट की जाती थी, या हो सकता है कि कई स्टैच्यू ऐसी थी जो एक ही पिलर से कार्विंग वर्क करके बनाई जाती थी। तो ये पूरा चैप्टर आपका इससे रिलेटेड ही है। यहाँ पे आपको जो स्कल्पचर मेकिंग आर्ट है उसमें मौर्य पीरियड का जो जो पार्टिसिपेशन था उसके बारे में पूरी नॉलेज दी गई है। उस टाइम पर राजा अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग के इस वॉर में फाइट करते समय उनको विन करने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे राजा अशोक। लेकिन जब वो इस वॉर में जीते और जीतकर वो फील्ड से जैसे ही खड़े हुए और चारों तरफ देखा तो उनको बहुत ही सैड हो गए थे वो, क्योंकि जहां देखे वहां पे डेड बॉडीज बिछी हुई थी सब जगह पे और वो अपने आप को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मान रहे थे कि मेरी वजह से, मेरी खुशी की वजह से इतने सारे लोग जो हैं वो एक्सपायर हो गए और उनकी फैमिलीज जो है वो अलोन हो गई है। तो इस ये सोचते सोचते वो धीरे धीरे चल रहे थे कि अचानक एक बौद्ध मठ से आवाज आई एक मॉन्क की और उन मॉन्क ने उनको आवाज देके बुलाया अपनी ओर। तो उन्होंने बोला, राजा अशोक आप इतने सैड क्यों हो, आप जो चाहते थे वो हो गया है। लेकिन राजा अशोक ने बोला कि मैं चाहता तो था कि मैं विन कर जाऊं इस वॉर में, बट विन करने के साथ ही मेरे इतनी सारी डेड बॉडीज जो है वो देखकर और मैं बहुत दुखी हूं कि मैंने बहुत गलत किया है, इसीलिए मेरे को अब आगे जीने की कोई चाह नहीं है। तो उस मॉन्क ने कहा कि अब तो आपके जीने का जो एम है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि आपके ऊपर इतने सारे लोग जो एक्सपायर हुए हैं आपकी वजह से, आपकी इच्छा की वजह से, उन सबकी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ गई है और अब आप सब कुछ अपने जो वर्क है, अपना एम्पायर का वर्क है उसको करते हुए, और अब आपके लिए वर्क जो है ये सबके फैमिलीज को देखने का वर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तब अशोक के मन में ये विचार आया कि मैं कितना गलत सोच रहा था और ये बिल्कुल सही है, अब मैं जितना भी जीऊंगा इन सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है, इन सबके भरण पोषण की जिम्मेवारी मेरी है। और एकदम से उसके मन में पॉजिटिविटी आई। ये जो वर्ड्स मॉन्क ने बोले थे उन वर्ड्स को हम धर्म लिपि के नाम से जानते हैं, बौद्ध धर्म में धर्म लिपि के नाम से जाना गया।
और उस धर्म लिपि को जगह जगह एनग्रेव करके यानी खुदवा कर लिखवाया गया और वो धर्म लिपि बहुत ही फेल हो गई थी। तो इस तरीके से राजा अशोक का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। कल हम राजा अशोक के टाइम पीरियड पे जो इम्पोर्टेंट बहुत सारे बने थे, बिल्डिंग्स तो कम नहीं बनी थी और पिलर्स भी बहुत सारे बने थे, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट पिलर्स है जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में कल नॉलेज गेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।